टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेश की असमय मौत की खबर सुनते ही पत्रकार जगत में ही नहीं वरन जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई मृदुभाषी और तेज तर्रार राजेश सिंह के कर्तव्य निष्ठा के कायल हैं। वहीं आज उनकी आत्मा की शांति के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में DPRO बिंदुसार मंडल, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, पत्रकार धीरज शर्मा, प्रमण कुमार, विवेकानंद चौधरी, चंदन कुमार के अलावा कई पत्रकारों और अन्य लोगों ने राजेश सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज हमारे बीच बड़े भाई के तुल्य छायाकार राजीव भैया नहीं रहे। सबसे पहले उनको सत सत नमन। और वो बहुत चीज़ में फोटोग्राफी में बहुत सिखाते थे कि ये फ़ोटो ऐसी करनी चाहिए, वो फ़ोटो ऐसी करनी चाहिए, ऐसी खींचो जो कि लगे भरी हुई। बहुत तरह के बहुत चीज तरह के समझाते थे। जब रात में उनकी देहांत का खबर आई, आँख से आंसू निकले तो नहीं, लेकिन पूरा आंसू क्या पूरा क्या बता वो इसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ता था। अजीत कहाँ है, बाजार चलना है और हमको जागरण में लाने के लिए वो पर्याप्त बहुत किया। लेकिन आज हमारे बीच में नहीं रहा, ये बहुत बड़ी दुख है। फोटोग्राफर हमारे दोस्त साथी निकल गए, बहुत हम लोग को दुख है, सभी फोटोग्राफर को दुख है। यही कहना हम चाहते हैं। हमारी खास यादें जुड़ी इस लॉकडाउन के दरमियान हम दोनों बहुत करीब थे और अक्सर एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते रहते थे। उसका एक कहना था कि 100 नंबर की फ़ोटो बन गई यार, ये 100 नंबर की फ़ोटो बन गई, 1000 नंबर की फ़ोटो बन गई। मतलब दिल का इतना अच्छा लगा था जिसका कोई जवाब नहीं कह सकते आप। हंसमुख स्वभाव, दिल का धनी, मतलब बोलते नहीं बन पा रहा उसके दुख से, कुछ कहा नहीं जा सकता, की भरपाई नहीं की जा सकती। इतना अच्छा फोटोग्राफर था वो।